हेलो एवरीवन, वेलकम। माय नेम इज़ आनंद, आई एम फ्रॉम गुरुकुल। आज मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट्स और नाउ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं नीट 2024। और इन्होंने 710 मार्क्स गेन किया आउट ऑफ 720। अपने आप में 710 मार्क्स गेन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और इस मार्क्स पे अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। क्या होता है सक्सेस के पीछे की कहानी, कितनी संघर्ष होती है, कितना पेन होता है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग गौरव के थ्रू जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले गौरव, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे संस्थान की तरफ से। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट गेन किया है, 700 मार्क्स से पार लाना ही अपने आप में टफ है। तो पहली बार जब आपने रिजल्ट देखा नीट का, तो व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग ऑफ योर्स, कैसा लगा आपको उसमें रिजल्ट देखकर? वेरी हैप्पी। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कैलकुलेट किए हुए थे, पर उस समय पूरा ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे। कि लग रहा था एग्जाम दे के आए थे तो लग रहा था कि हाँ अच्छा नंबर आ जाएगा, और जैसे ही मिलाएं सब तो मेरा सिर्फ दो केमिस्ट्री में गलत हुआ था और कॉन्सिक्यूटिव दो गलत हुआ, ये लगातार एक दो यही एक गलत हुआ, और फिर सब सही हुआ तो बहुत अच्छा लगा। गार्जियन सब खुश, माता पिता दादा दादी सब खुश, परिवार जन सब पूरा खुश हैं, सब फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये आपके जीवन की पहली सफलता थी इतनी बड़ी, या इससे पहले भी आपने कुछ सक्सेस गेन किया था जो इस लेवल का था? नहीं सर, इस लेवल का तो कुछ नहीं सर। 10 में 95%, 12 में 88%, दो बार ड्रॉप लिए, फिर थर्ड अटेम्प्ट में इतना बहुत मेहनत लगता है जब दो ड्रॉप करके आप शुरू से स्टार्ट करते हो। सेकेंड ड्रॉप में तो मेरा 562 नंबर था, तो पता था कि इस बार नहीं होगा। फिर भैया पापा के थ्रू पता चला कि गोल विलेज संस्थान है, वहाँ पे बहुत अच्छा तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है। फिर वहाँ से मन बना लिए थे पहले ही से कि पूरा अच्छा से तैयारी करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। बार बार कितना बार असफल रहेंगे, सब पापा के देखते थे रिजल्ट के बाद तब पूरा मायूस। ये अच्छा ना, अपने आप में ये चीज़ मोटिवेट करता है, अंदर से लगता है। तो शुरू से ही सोचे थे कि इस बार कुछ कसर नहीं रहना है, जितना भी बच्चा रहेगा अच्छा अच्छा कलीग बनाएंगे, जो पढ़ने में देखेंगे लगे कि भाई ये पढ़ रहा है तो हमको ही पढ़ना है। मेरा रूममेट बहुत मेहनत करता था, उससे अलग मोटिवेशन आता था, रोज़ समय एकदम उठता था 6 बजे, हम भी उसके देखा देखी उठा करते थे सवेरे, एकदम अच्छा से मेहनत करना है। मेन चीज़ यही है, एक साल पूरा अच्छा से तैयारी करो, एकदम अपने आप मोटिवेटेड रहो। हम रोज़ ये कहते थे कि इस बार मेडिकल कॉलेज में जाना है, कुछ भी हो, पेपर कैसा भी हो, मेडिकल कॉलेज में जाना ही है। रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना है। एक दिन मोटिवेशन हुआ बहुत हाई, सेकेंड बार में उसका एम्पलीट्यूड कम हुआ, एकदम गिरते रहता है आम बच्चा का। सबसे मेहनत यही लगता है कि एक बार पीक पे हैं तो पीक को आप मेंटेन करिए। ये नहीं कि आज पढ़ें 16 घंटा, कल पढ़ें 16 घंटा, फिर थक गए क्या पढ़ें। रोज़ मेंटेन करें, 12 घंटा करिए, पर रोज़ करिए, यही की है। यस सर, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, इसलिए कहा भी जाता है। मुझे लगता है किसी चीज़ को गौरव ने फॉलो किया, और अगर आपका भी कुछ ऐसा ही व्यूज़ है कि 710 या इससे ऊपर मार्क्स लाने का, तो कंसिस्टेंसी यू नीड टू बी रिक्वायर्ड। गौरव, आपने बड़ी अच्छी बातें अभी दो तीन चीज़ों के जिक्र किया, जिसमें एक गोल विलेज का आपने जिक्र किया और अपने पेरेंट्स के सक्सेस को आपने क्रेडिट भी दिया। कहा जाता है कि सक्सेस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यस, पेन लेना पड़ता है, यस। तो आपने इतनी बड़ी सफलता को लेने के लिए किस तरह का सैक्रिफाइस किया? सबसे पहले इस साल हम अपने पास फ़ोन रखे ही नहीं थे, इस साल फ़ोन से हम दूर रह रहे हैं, जितना तरह का डिस्ट्रैक्शन था सबसे दूर रहे हैं। सिर्फ हमको पढ़ाई करना था इस साल, इसके अलावा कुछ नहीं। एक इस साल न खेले हैं कुछ, न ज़्यादा कुछ इधर उधर, सिर्फ पढ़ाई करना था। पता था कि एक साल कर लेंगे अच्छा से पढ़ाई तो अच्छा जगह पहुँच के, फिर ये सब तो बाद में होगा। पहले अभी सबसे इस साल सबसे बड़ा एम ही था मेरा कि नीट क्लियर करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमको MBBS करना है। यही चीज़ हमको पूरा मोटिवेट किया इस साल, पूरा लगातार हार्डवर्क करो बिना सोचे समझे, कभी नंबर कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, नंबर से भी प्रभावित नहीं होना है। जितना मेहनत करना है रोज़ करना है, ये नहीं कि नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कम पड़ रहे हैं कि अब तो हो ही जाएगा। ये नंबर भी कभी डिसिल्यूजन पैदा करता है कि अब हो जाएगा। इस साल आपने जितने भी टेस्ट दिए, जैसा आपने कहा कि गोल में रहते हुए आपने तैयारी की, गोल विलेज में आप पार्ट थे। गोल विलेज एक ऐसा कैंपस माना जाता है जहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को नहीं, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, आप ही कह रहे हैं। मेरा रूममेट का खुद 690 इस बार आ रहा है, 690। यस। तो थ्रू आउट पूरे सेशन की अगर हम बात करें, जब आप टेस्ट दे रहे थे तो कभी ऐसा मौका भी आया होगा जब आपके सबसे लोएस्ट स्कोर भी रहे हो? यस। सबसे लोएस्ट स्कोर आपका क्या था इस साल का? आई ओपनर
527 था सर। 527 था, yes. यानी कि 527 वाले स्टूडेंट भी 710 तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है आपके सामने, ये लाइव एग्जांपल आपके सामने हो सकता है। गोल विलेज की आपने चर्चा की थी, गोल विलेज का आपके सक्सेस में क्या लगता है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये हम इस तरीके से साबित करेंगे कि पिछला साल हम दो साल ड्रॉप लिए हैं, तो उसमें हम जितना पढ़े हैं और गोल विलेज में जितना पढ़े हैं, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे उससे ज़्यादा दुगना तिगुना मेहनत किए हैं हम गोल विलेज में रहकर। उसका प्लस पॉइंट है कि सारा बच्चा आप लाइब्रेरी में एनी टाइम 24 घंटा कोई ना कोई आपको मिलेगा वहाँ पर पढ़ता हुआ। हम पढ़ेंगे, बगल में मेरा बच्चा दोस्त पढ़ रहा है, जितना तरह का दोस्त है सब बगल में एकदम पढ़ रहा है, तो हमको भी मोटिवेशन आएगा, पढ़ना है भाई, ये सब मोटिवेट करता है अंदर से। विलेज का और क्या-क्या चीज़ अच्छा लगा? जैसे आपने डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। टेस्ट के बाद एनालिसिस है, जितना तरह का CTW है उसको फिल्टर करना है, उस पर वर्क करना है। डिस्कशन ग्रुप में जो हमको वीक लग रहा है या क्वेश्चन आज हमको गलत हो गया है वो टॉपिक को डिस्कस करना है। गोल विलेज अगर पहुँच जाते हैं, अगर वहाँ पर मेहनत करते हैं आप, तो आपका सक्सेस एकदम श्योर है वहाँ पे। श्योर है सर, बहुत बड़ी बात है आपकी, आपने बताया। बाकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस तरह? 3-4 पॉइंट है जिसका, सबसे पहले तो मेहनत, तो जहाँ भी आप रहिए मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी ये जरूरी है, लगातार मेहनत करिए और अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ 24 घंटा आपको मोटिवेटेड रहना है कि नहीं हमको ये करना है, हमको ये करना है रोज़ एक साल, यही है, यही 3 की पॉइंट है। और बाकी डिसिप्लिन बहुत मेन पॉइंट है कि आप समय के साथ करिए, ये हमको इतना बजे उठना है तो इतना बजे उठना है, फ्रेश व्रेश होकर खाना उना खा के इतना बजे लाइब्रेरी पहुंचना है तो लाइब्रेरी में जाइए, इतना समय हमको पढ़ना है। डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गोल के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली और गोल ही आपने? गोल ये पापा के मेरे एक दोस्त हैं, उनका भांजा के हुआ था, बहुत अच्छा गोले विलेज से हुआ था, तो वो हम पापा के बताएं, तो पापा हमको पिछला ही साल बोले थे कि गोल विलेज में चल जा, पर हमको लगा था कि अपने से कर लेंगे, अपने से। एक बार हम घर पर आए, फिर देखे कि भाई अपने से नहीं होता है, ये एक गाइडेंस चाहिए अच्छे टीचर का। फिर गोल विलेज में हम पहुँचे, फिर गोल विलेज में गाइडेंस मिला, सर बिपिन सर समय समय पर सेमिनार लेके मोटिवेट करते थे कि गाइडेंस देते थे कि अब ऐसे पढ़ना है, अब ऐसे एक महीना में कैसे पढ़ना है, दो महीना भी बचा है तो वहाँ से कैसे रोड मैप है। यस सर, उस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइडेंस। तो आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा चलते चलते चर्चा कर लें। गांव मेरा सर जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में काको करके औलियाचक गांव है, उसमें मेरा घर है। मेरे दादा का जॉब था, वही पापा को पढ़ाएं, मेरे अंकल को पढ़ाएं, पापा के 4 बेटा और 1 बेटी हैं, चारों को पढ़ाएं लिखाएं। अभी मेरी दीदी एग्रीकल्चर में PG करके अभी जॉब कर रहे हैं, मेरे भैया MTech कर रहे हैं, सब लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं। हाँ, वेल सेटल्ड हैं। तो गौरव, एक लास्ट सवाल मेरा है कि 2 साल आपको समय लगा और तीसरे साल आपकी सफलता, क्या आपको लगता है कि अगर ये 2 साल अगर हम पहले अगर गोल में आ गए होते? बिल्कुल सर, ये तो हमको पला ही लग रहा था कि यार पिछला साल अगर आ जाते तो मेरा हो जाता, और इतना नंबर पे तो अभी कन्फ्यूजन भी नहीं रहता कुछ कि क्या होगा, वहाँ तो फिक्स रहता कि बहुत लग रहा था कि वहाँ गए, 1-2 महीना पढ़े समझ में आ गया कि अगर हम पिछला साल आ जाते इतना पढ़ लेते तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे बात करके। एक बार आपको फिर से पूरे तमाम गोल टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस मार्क्स पे आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि एक सफल टॉपर भी आप बनेंगे। तो आप सभी व्यूअर्स से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के टॉपर्स टॉक में हमने जिस एस्पिरेंट्स को आपके सामने रखा था, एक अपने आप में लाइव एग्जांपल आप सभी स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने लेवल पर चैलेंजिंग रूप से फाइट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। बहुत सारा ऐसा समय आता होगा जब आपको लगता होगा लो फील कर रहे होंगे, कई बार आपको लगता होगा कि छोड़ देते नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस क्षण आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसी समय से आपके सक्सेस डिसाइड होते हैं। आई थिंक गौरव की तरह आप भी स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, और इन्होंने बताया कि 510-520 मार्क्स से उठ करके भी अगर 700 के ऊपर जाया जा सकता है तो आप नहीं जा सकते। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉपर्स टॉक ऑफ द गोल्ड स्टूडेंट।